मगरिब की नमाज़ पढ़ने का आसान अंदाज़ में तरीका बताऊंगा। इतने आसान अंदाज़ में आपने इससे पहले कभी भी तरीका नहीं सीखा होगा। ऐसे आसान अंदाज़ से हर चीज़ खोल खोल के बयान करके एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि तन्हा नमाज़ पढ़नी है तो किस तरह पढ़नी है, तीन फ़र्ज़ तन्हा पढ़ने हैं तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, हर रकत में इमाम के पीछे पढ़ने हैं तो किस तरह पढ़ने हैं, और बाद वाली दो सुन्नतें और बाद वाले दो नफल अगर कोई अदा करना चाहे तो वो किस तरह अदा करेगा। ये बात याद रख लें कि मगरिब के तीन फ़र्ज़ पहले पढ़े जाते हैं, फिर उसके बाद दो सुन्नतें, उसके बाद फिर दो नफल अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, वो पढ़ना ज़रूरी नहीं है। पहली बात यह है कि मगरिब के जब आपने फ़र्ज़ पढ़ने हैं तन्हा अदा करने, जैसे मर्द और औरत दोनों के लिए तरीका बताने लगा हूँ, तन्हा जिसने पढ़ने हैं, जमात का बाद में बताता हूँ, तन्हा आपने अदा करने हैं तो सबसे पहले आपने मगरिब के तीन फ़र्ज़ों की नियत करनी है। और नियत यह है कि आपके दिल में इरादा मौजूद हो कि आप मगरिब के तीन फ़र्ज़ पढ़ने लगे हैं या पढ़ने लगी हैं, ये इरादा हो, यही आपकी नियत है। ज़ुबान से दोहराना या बोलना या नियत करना ये ज़रूरी नहीं है, दिल में नियत होनी चाहिए। ज़ुबान से अगर आप दोहराना चाहें तो अपने अल्फाज में दोहरा सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर आप इस तरह भी दोहरा सकते हैं कि तीन रकत फ़र्ज़ नमाज़ें मगरिब अल्लाह की रज़ा के लिए, उसके बाद अल्लाह अकबर कह के आपने हाथों को बांध लेना है, और सबसे पहले आपने पहली रकत में पढ़नी है सुभानक अल्लाह, उसके बाद आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फिर आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, उसके बाद फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फिर उसके बाद आपने कोई सूरत मिलानी है, उसके बाद फिर आपने अल्लाह अकबर कह के रुकू करना है, रुकू की तस्बीह पढ़नी है, तीन बार पढ़ लें, पाँच बार पढ़ लें, सात बार पढ़ लें, उसके बाद आपने समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाना है, फिर उसके बाद खड़े होकर आपने रब्बना लकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द पढ़ के फिर अल्लाह अकबर कहते हुए पहला सजदा करना है, फिर पहले सजदे की तस्बीह पढ़नी है, तीन बार पढ़ लें, पाँच बार पढ़ लें, सात बार पढ़ लें, सुबहान रब्बियल आला ये पढ़ के उसके बाद आपने अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाना है, फिर आपने अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करना है, दूसरे सजदे में भी आपने उसी तरह तस्बीह पढ़नी है, तीन बार, पाँच बार या सात बार, जितनी बार आप पढ़ना चाहें, फिर उसके बाद आपने अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है, दूसरी रकत आपने शुरू करनी है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी दूसरी रकत के अंदर आपने सुभानक अल्लाह नहीं पढ़नी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फिर आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, उसके बाद आपने बिस्मिल्ला पढ़नी है, और बिस्मिल्ला पढ़ने के बाद फिर आपने कोई सूरत मिलानी है, सूरत मिलाने के बाद उसी तरह आपने अल्लाह अकबर कह के रुकू करना है, रुकू की तस्बीह पढ़नी है, समी अल्लाह लिमन हमीदा कह के खड़ा होना है, रब्बना लकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द पढ़ना है, अल्लाह अकबर कह के पहला सजदा करना है, सजदे की तस्बीह पढ़नी है, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाना है, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करना है, और फिर सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद आपने अत्तहियात पे बैठ जाना है। अत्तहियात आपने पढ़नी है, आगे दुरूद भी नहीं पढ़ना, दुआ भी नहीं पढ़नी, सिर्फ अत्तहियात मुकम्मल करनी है, और उसके बाद आपने तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है। अब तीसरी रकत में भी आपने सुभानकल्ला नहीं पढ़नी, बल्कि आपने तीसरी रकत शुरू करनी है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, और आपने फिर सूरह फातिहा पढ़नी है। अब आप सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के रुकू कर दें तब भी ठीक है, आपकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी, और अगर आप तीसरी रकत के अंदर कोई सूरत मिलाना चाहें तो आपको इसका सवाब मिलेगा, मिला सकते हैं और सवाब भी इसका मिलेगा, लेकिन अगर आप नहीं मिलाते तो फिर भी आपकी नमाज बिल्कुल 100% दुरुस्त हो जाएगी। अब आपने सूरत फातिहा पढ़ के अगर उसके बाद सूरत मिलानी है तो सूरत मिला के, या फिर सूरह फातिहा पढ़ के अल्लाह अकबर कहते हुए उसी तरह रुकू करना है, रुकू की तस्बीह उसी तरह पढ़नी है, फिर उठना है समी अल्लाह हमीदा कह के रब्बना लकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द पढ़ना है, उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए सजदा करना है, पहला सजदे की तस्बीह पढ़नी है, अल्लाह अकबर कहते हुए उठना है, फिर उसके बाद आपने अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करना है, दूसरे सजदे की तस्बीह पढ़नी है, उसके बाद फिर अल्लाह अकबर कहते हुए आपने बैठ जाना है। अब आपने अत्तहियात पढ़नी है, फिर दुरूद पढ़ना है, उसके बाद आपने दुआ पढ़नी है, और सलाम फेर के आपने तीन फ़र्ज़ मुकम्मल कर लेने हैं। मर्दों के लिए भी यही तरीका है, औरतों के लिए भी यही तरीका है। तन्हा नमाज जब अदा करनी है तो इस तरीके के मुताबिक अदा करनी, ये हो गए आपके तीन फ़र्ज़। उसके बाद पढ़नी है दो सुन्नतें, ये दो सुन्नतें भी मुअक्कदा हैं, यानी जैसे बाकी नमाज़ों का मैंने बताया था, तो इसमें मगरिब में भी दो सुन्नतें जो हैं ये मुअक्कदा हैं, इनको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। इनको पढ़ने का तरीका ये है, सबसे पहले उसी तरह आपने नियत करनी है दो रकत सुन्नत नमाज मगरिब अल्लाह की रज़ा के लिए, और नियत पहले बता चुका, दिल में इरादा जो है ये ज़रूरी है, ज़ुबान से दोहराना ज़रूरी नहीं है, दोहराना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। अल्लाह अकबर कह के आपने नमाज शुरू कर ली,
पहली रकत आपने शुरू करनी है सुभानक अल्लाह से, उसके बाद आपने पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फिर आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने सूरत मिलानी है। रुकू और सजदे करके एक रकत पूरी कर लेनी है। रुकू और सजदों का जैसे पहले मैं बता चुका ये सारी नमाजों में उसी तरह करने होते हैं, रुकू में जाते फिर उठते, रुकू की तस्बीह फिर उठना फिर सजदे में जाना और सजदे की तस्बीह पढ़ना, तो वो इसी तरह आपने रुकू और सजदे कर लेने और फिर आपने दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाना। जब आपने दूसरी रकत के लिए खड़े होना है तो सुभानकल्लाह आपने नहीं पढ़नी बल्कि आपने शुरू करना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ से आपने शुरू करना है। अब उसके बाद आपने सूरत फातिहा पढ़नी है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने सूरत मिलानी है और रुकू और सजदे करके आपने अत्तहियात पे बैठ जाना है। अत्तहियात पढ़नी है, फिर उसके बाद आपने दुरूद पढ़ना है, दुआ पढ़नी है और सलाम फिर के दो सुन्नतें आपने मुकम्मल कर लेनी। ये हो गए तीन फ़र्ज और दो सुन्नतें भी हो गई। उसके बाद अगर कोई अगर इतनी ही नमाज़ पढ़ता है, तीन फ़र्ज़ पढ़ लेता है फिर दो सुन्नतें पढ़ता है और बस दुआ वगैरह मांग के चला जाता है, या घर में पढ़ता है तो इतनी ही नमाज़ पढ़ता है, तो इतनी नमाज़ पढ़ने से भी नमाज़ हो जाती है कि तीन फ़र्ज़ पढ़ लिए, दो सुनतें पढ़ लिए जो मुअक्कदा हैं। बाद वाले दो नफल पढ़ना ये लाजिम फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है और ये नमाज़ का हिस्सा भी नहीं है। दो नफल अगर कोई पढ़ेगा तो उसको उसका सवाब मिलेगा, अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो वो गुनाहगार नहीं होगा। यानी यूँ समझ लें कि इजाफी तौर पर है, नमाज़ के अलावा नफल हैं, तो नफल अच्छी बात है, पढ़ने चाहिए। आप जोहर के बाद भी पढ़ा करें, आप मगरिब के बाद भी पढ़ा करें, इशा के बाद भी पढ़ा करें, इसके अलावा अगर आपको कभी टाइम मिले तो आप नफल लाजमी पढ़ा करें। अब दो नफल अगर किसी ने पढ़ने हैं तो उसका तरीका भी बता देता हूँ, उसका तरीका भी बिल्कुल सेम इसी तरह है जिस तरह मैंने दो सुन्नतों का तरीका बताया। पहले आपने नियत करनी है दो रकत नफल अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह अकबर कह के आपने नफल शुरू कर लिए, सबसे पहले आपने सुभानकल्लाह पढ़नी है, फिर उसके बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरत फातिहा पढ़नी है, उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत फातिहा पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत मिलानी है, रुकू और सजदे करके एक रकत पूरी। दूसरी में जब आपने उठना है तो आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करना है और फिर आपने सूरत फातिहा पढ़नी है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है और फिर सूरत मिलानी है, रुकू और सजदे करके अत्तहियात पे बैठ जाना है, अत्तहियात पढ़ के दुरूद पढ़ के दुआ पढ़ के सलाम फेर के आपने दो नफल मुकम्मल कर लेने हैं। ये हो गई मगरिब की मुकम्मल नमाज, उसके बाद आपने दुआ वगैरह मांग लेनी है। अब इसी तरह मैं यही तरीका जिस तरह मैंने आपको बताया इसी तरह आसान अंदाज में फजर के बारे में भी वीडियो बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल ये आपके सामने है आई एम नबील रज़ा के नाम से है, और जो अहबाब इस वीडियो को फेसबुक पे देखें तो फेसबुक का पेज जो है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर देखना चाहे तो उसका नाम मैं बता चुका, आई एम नबील रज़ा के नाम से यूट्यूब चैनल मौजूद है, और फेसबुक का पेज अगर आप में से कोई विज़िट करना चाहे तो आई एम नबील रज़ा के नाम से, यानी इसमें दरमियान में नबील और रज़ा के दरमियान में ई नहीं है फेसबुक पेज के नाम में, तो आई एम नबील रज़ा इस नाम से आप फेसबुक पे भी पेज पे आप ये वीडियोस तमाम की तमाम देख सकते हैं। और बाकी जो इसके अलावा है इशा की नमाज़ इंशाल्लाह उस पर भी इसी तरह डिटेल के साथ वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, वितर पर अलहदा से डिटेल के साथ वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, और जुमा की नमाज़ पर ख़ास तौर पर अलहदा से वीडियो बना के डिटेल के साथ मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। जुमा की नमाज़ के बारे में हमारे बहुत सारे अहबाब गलती करते हैं कि वो उसमें जोहर की नमाज़ की कुछ रकतें पढ़ रहे होते हैं, कुछ जुमे की पढ़ रहे होते हैं, तो ये गलत तरीका है, इसकी भी इंशाल्लाह मैं डिटेल के साथ वीडियो बना के अपलोड करूंगा। इस वीडियो से मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।